नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। कल मुझ पर बीजेपी वालों ने इल्जाम लगाया कि भैया नीट का एक स्टूडेंट आपसे, छात्र आपसे पूछ रहा था कि सर हमारे को बड़ी दिक्कत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो आपने उससे पूछना था कि कितने मार्क्स आए। आपने उसको बोला कितने वोट आए, तो मेरे पे कटाक्ष करने लगे कि भैया हर चीज वोट नहीं होती। और मैंने उनको पलट कर कहा कि हमारे लिए सिर्फ वोट है, क्योंकि हमारे मन में खोट है। सही जोड़ा ना, वोट खोट टाट देना ना यार। हाँ बताइए आप, हम तो यूज ही उनको कर रहे हैं कि किस तरीके से भैया काम होगा, किस तरीके से इन वोटों को, इन लोगों को वोट में तब्दील किया जाए। और जहां तक बात है मेरी, इतना तो मेरे समझ में आ गया है कि अब राजनीति को किस तरीके से चलाना है। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो, सिर्फ वोट देखो, वोट सुनो, वोट कहो। मोहब्बत की दुकान सिर्फ वोटर्स के लिए है, बाकी सबके लिए शटर डाउन है। क्यों ना हो, जब आप मुझे जिताएंगे इसका मतलब केजरीवाल भी हमारे साथ है। अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपके लिए वो कुछ कर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। वैसे सोच तो मैं नहीं पाता हूं कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। जो भी करता हूं उल्टा ही हो जाता है। बच्चों से पूछना था कि मार्क्स कितने आए हैं, पूछ बैठा वोट कितने आए हैं। कोई बात नहीं, सिर्फ ये बोलूंगा कि आपने मेरी क्लीन शेव से लेकर दाढ़ी तक, और दाढ़ी से झुमरू तक, और झुमरू से फिर से इसी दाढ़ी तक बहुत साथ दिया है। झुमरू मतलब लंबे बाल हो गए थे दाढ़ी के, यहां तक आ गए थे, तब तक आपने भैया मेरा खूब साथ दिया है। जहां चला मैं, चला या ना चला, आपने मुझे बहुत चलाया, और इसी वजह से मैंने इतना बहुमत पाया। वाह, आज तो राइमिंग हो रही है, राइमिंग की बारिश हो रही है भैया। तो जो लोग कहते हैं कि वो वोट नहीं है, उनके मार्क्स आते हैं, मैं कहता हूं कि वो वोट ही हैं। अगर वो सही चलेंगे मेरी दिशा के अनुसार और मेरे लिए काम करेंगे, मेरे लिए बहुमत देंगे, मेरे लिए लड़ाई लड़ेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो भैया मेरे लिए तो वो वोट हैं, और उनसे बेहतरीन वोट कोई नहीं है। एक युवा दूसरे युवा से बात करते हुए युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए युवा शक्ति लगा रहा है और अपनी पार्टी का नाम रखता है कांग्रेस युवा शक्ति। तालियां। इतनी तेज नहीं बजानी, थोड़ा थोड़ा बजाना। हाँ पर ठीक है, जो भी है मैं आप लोगों के साथ हूं। नीट का एग्जाम नहीं देना मत दो, मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि नीट के लिए मेरे पास केवल एक ही शब्द है, बोतल। जो हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने सबको एक के साथ एक फ्री दी थी, और इसी वजह से हमने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था, एनडी अलायंस में, कि कुछ भी हो जाए इनका खर्चा तो वो ही निकालेंगे भैया। बस बोतलें बढ़ती गई और कारवा जुड़ता गया और कारवा बनता गया, वही बात है। बहरहाल नीट वालों, ओ स्टूडेंट से मैं कहूंगा, छात्रों से, हाँ, यही कह रहा था मैं, कि हिम्मत ना हारिए, लगे रहिए, मुझसे प्रेरणा लीजिए। अगर आपका सपना सच्चा है तो आज सीटें आई हैं जैसे मेरी, वैसे आपको भी सीट मिल ही जाएगी। बस लगे रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, करते रहिए, और लगे रहिए बस। हमारे हाथ की जरूरत आपको जब भी हो तो वोट डाल के हाथ ले लीजिए, आपको मैं हाथ बढ़ाकर हाथ दे दूंगा भैया। ठीक है, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, कोई बात रह गई हो, कुछ आपको पूछना हो, जब भी मैं गाड़ी से जाता हूं शीशा नीचे कर दूंगा, पूछ लेना, बिकॉज आप सब मेरे लिए वोट हैं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।